गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्लास ट्वेल्थ में आपका नेक्स्ट यूनिट है स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन। हम लोगों को पता है कि जो लोग जो भी स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं उनका जो न्यूट्रिशन होता है या उनकी जो बैलेंस डाइट होती है वो नॉर्मल ह्यूमन पर्सन के अकॉर्डिंग थोड़ी सी अलग होती है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि अगर हम लोग को अपनी बॉडी को फिट एंड मेंटेन रखना है तो हम लोग के लिए किस टाइप की डाइट लेनी पड़ती है, किस तरह के न्यूट्रिएंट हमको अपनी डाइट में लेना कंपलसरी है, या और किन वर्कआउट के थ्रू हम अपनी बॉडी को फिट रख सकते हैं। तो स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन में आपका पहला टॉपिक है मीनिंग ऑफ बैलेंस डाइट। रियल मीन में हम बैलेंस डाइट को किस तरह से अपने जो फूड हम लोग मॉर्निंग में या इवनिंग में जिस टाइप का भी हम लोग फूड इंटेक करते हैं लेते हैं तो उसमें हम लोग को कौन कौन सी चीज़ें हमारी डाइट में होनी चाहिए। मीनिंग ऑफ बैलेंस डाइट की सिंपल सी थ्योरी है, द बैलेंस डाइट मस्ट हैव कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, साल्ट्स, फाइबर इन करेक्ट प्रोपोर्शन। इनको हम मीनिंग ऑफ बैलेंस डाइट भी बोल सकते हैं या हम लोग इनको न्यूट्रिटिव एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं। हम लोगों ने देखा है कि ये सारे एलिमेंट्स जो न्यूट्रिटिव एलिमेंट्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, ये सारे हमारी बॉडी के लिए कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट रखते हैं। इनमें से कुछ एलिमेंट्स हम लोग को लार्ज अमाउंट में चाहिए होते हैं और कुछ न्यूट्रिएंट हम लोगों को स्मॉल अमाउंट में चाहिए होते हैं। तो उसी से रिलेटेड इनका जो टॉपिक है आपको इनमें मीनिंग ऑफ बैलेंस डाइट में एनर्जी यील्डिंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड। बॉडी बिल्डिंग का फूड मतलब हमारा मसल्स की ग्रोथ से है। मेन पर्पज यही नहीं कि अगर हम लोग को बॉडी बिल्डिंग मेंटेन करनी है या बॉडी बिल्डिंग करनी है तो हम लोग को किस टाइप का फूड लेना चाहिए। इसका मेंटेन हम लोग का मसल से है कि हमारी मसल्स को अगर ग्रोथ करानी है तो हम लोग को किस टाइप की डाइट्स लेनी चाहिए। मीनिंग ऑफ न्यूट्रिशन, तो अगर हम लोग मीनिंग ऑफ बैलेंस डाइट में देखें तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट जितने भी न्यूट्रिटिव एलिमेंट्स हैं इनको अगर हम लोग अपनी डेली टू डेली रूटीन लाइफ में करेक्ट प्रोपोर्शन में इंक्लूड कर रहे हैं तो जो है हमारा बॉडी की फिटनेस है वो मेंटेन रहेगी। एनर्जी यील्डिंग फूड, अब हमको कौन से ऐसी डाइट लेनी चाहिए जिससे हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड होती है। हम सब लोगों को पता है या हम लोग देखेंगे जितने भी डाइट में हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स, सीरियल्स, रूट्स एंड फैट भी हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। हम लोग अपनी डाइट में एक लार्ज अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट, सीरियल्स, रूट्स एंड फैट, ये सारे जो एलिमेंट्स हैं ये हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। अब आप लोग कहेंगे कि हमारी बॉडी को सर क्या फैट भी ज़रूरी होता है, तो फैट क्या करता है हमारी बॉडी को तब एनर्जी प्रोवाइड करता है जब हमारी बॉडी को किसी भी पार्ट से या किसी भी एलिमेंट से एनर्जी नहीं प्रोवाइड हो रही होती, तब हमारी बॉडी में जो फैट कलेक्ट होता है वो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसी तरह से नेक्स्ट जो आपका दिया गया है बॉडी बिल्डिंग फूड, इनमें आपके सारे आ जाते हैं मिल्क प्रोडक्ट एंड आपकी जितनी भी पल्सेस, जितनी भी दालें होती हैं वो सारी आपकी बॉडी के लिए, बॉडी की मसल्स के लिए हेल्पफुल होती हैं, जो आपकी बॉडी की ग्रोथ करती हैं। बॉडी की ग्रोथ के लिए, मसल्स की ग्रोथ के लिए आपके लिए मिल्क प्रोडक्ट्स और पल्सेस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। इसके बाद अगर हम इनको डिफाइन करें मीनिंग ऑफ न्यूट्रिशन, हम लोग बहुत से लोगों की प्रॉब्लम होती है कि सर हम लोग बहुत सारी चीज़ें खाते हैं लेकिन हमारे शरीर में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं होता है, हमारी बॉडी की ग्रोथ नहीं होती है, या हम लोग बहुत थिन हैं, स्लिम हैं, हमारी बॉडी में फैट कलेक्ट नहीं होता है, फैट नहीं चढ़ता है, ये सारी प्रॉब्लम्स कई पर्सन्स के साथ रहती है। अगर हम लोग को अपनी बॉडी को फिट एंड मेंटेन रखना है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमको करेक्ट प्रोपोर्शन में डाइट लेनी चाहिए, प्रॉपर रेस्ट लेना चाहिए, और उन दोनों के साथ साथ एक जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है प्रॉपर वर्कआउट। अगर इन तीनों चीज़ों में हम लोग बैलेंस बना लेंगे तो हमारी बॉडी फिट रहेगी। और फिट रहने का मतलब ये नहीं है कि हम लोग बहुत अच्छी पर्सनालिटी हो, हम लोग कोई बॉडी बिल्डर हो। आप लोग डेली रूटीन के जो वर्कआउट हैं वो करेक्ट प्रोपोर्शन में कर पाते हैं बिना थके हुए, और इसके बाद अगर आप लोग कोई भी वर्क करते हैं और उसमें आप लोग को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है फिजिकली तो आप लोग फिट हैं। या सीजन के अकॉर्डिंग जो मोस्टली डिसीजेज हम लोग के एनवायरनमेंट में फैलती हैं और आपको वो डिसीजेज नहीं होती हैं, आपकी बॉडी उनसे आपको, आपका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि उनसे आपको स्ट्रांग रखता है तो आप लोग प्रॉपरली फिट हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है मीनिंग ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि हम लोग जो भी फूड एलिमेंट्स लेते हैं वो हमारे माउथ के द्वारा हमारी बॉडी में सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँचता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में जो हमारी बॉडी में एलिमेंट्स होते हैं या टिश्यूज होते हैं, सेल्स होते हैं, वो हमारी बॉडी से उनसे न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स को कंज्यूम कर लेते हैं। तो हम लोगों ने देखा होगा आजकल मोस्टली लोग फास्ट फूड बहुत लाइक करते हैं, या घर में भी हम लोगों ने देखा होगा कई लोग को जो नॉर्मली ग्रीन वेजिटेबल्स हैं
और भी बहुत सारी चीज़ें वो उनको पसंद नहीं आती हैं। तो हम लोग देखते हैं फास्ट फूड खाने वालों का जो इम्यून सिस्टम होता है वो बहुत ही वीक हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब उनका जो वो लोग डाइट लेते हैं वो जब उनके स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचती है तो उनके टिश्यूज को कोई भी उनसे ऐसे न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स नहीं मिलते हैं जिससे उनकी ग्रोथ हो सके और उनके बॉडी में पहुँच सके। तो इसकी वजह से क्या होता है, उनका इम्यून सिस्टम वीक होता चला जाता है। एक ये डेफिनेशन दी गई है, न्यूट्रिशन कैन बी कंसिडर्ड एज प्रोसेस इन विच द फूड इज कंज्यूम्ड एंड इज यूटिलाइज्ड फॉर नर्सिंग द बॉडी वर्किंग। तो सिंपल सी बात है, बॉडी वर्किंग के लिए हम जो भी फूड इंटेक करते हैं उसको कंज्यूम्ड होना, उसको बॉडी जो क्या करती है, नर्सिंग करती है और यूटिलाइज्ड कराती है, बॉडी वर्किंग में हमारी हेल्प करती है। तो अगर हम लोग करेक्ट प्रोपोर्शन में, एक करेक्ट वे में करेक्ट एलिमेंट्स नहीं लेंगे तो हमारे साथ वेरियस प्रॉब्लम आनी ही आनी है। अब हम लोग देखते हैं हमारी बॉडी में कौन से फूड एलिमेंट्स की कितनी ज़रूरत है या किस तरह से हम लोग उनको लेना चाहिए और किन चीज़ों की जो हेल्प है वो किस तरह से बॉडी फंक्शन में हेल्प मिलती है। तो जैसे हम लोग इनको डिफाइन करेंगे, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स को हम लोग टू टाइप्स डिफाइन करते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और सेकंड दिया है हमारा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनकी हमारी बॉडी को लार्ज अमाउंट में ज़रूरत होती है। जैसे हम लोग पहला देखेंगे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, वाटर। हम लोग देखते हैं हमारी डेली लाइफ में जो हम लोग फूड लेते हैं उसमें हमारा कहीं ना कहीं कार्बोहाइड्रेट के जो सोर्सेज होते हैं, सीरियल्स है, कार्बोहाइड्रेट का पोटैटो है जो बिग सोर्सेज है, सीरियल्स है, अनाज से रिलेटेड चीज़ें हमारे डाइट में मॉर्निंग इवनिंग में आ ही जाता है। प्रोटीन है, हम लोग देखते हैं हमारे यहाँ के जो फूड प्रोडक्ट हैं उनमें हम लोगों को दालें काफ़ी अच्छी लगती हैं और हम लोग की डेली रूटीन की लाइफ में इसको भी हम लोग इंक्लूड करते हैं तो प्रोटीन भी हमारी बॉडी में चीज़ों में। फैट है, मिल्क प्रोडक्ट जितने भी हैं, डेयरी प्रोडक्ट हैं, वो हमारी बॉडी में फैट को इंक्रीज कराते हैं। और वाटर, वाटर क्या करता है, हमारी बॉडी के फंक्शनिंग में हेल्प करता है और हमारी बॉडी में समथिंग 75% वाटर इंक्लूड होता है। तो वाटर भी कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में हम उसको काउंट करते हैं जिसकी हमारी बॉडी को लार्ज अमाउंट में नीड होती है। सेकंड आपका दिया गया है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जिनकी हमारी बॉडी को नीड तो है लेकिन इतनी नहीं जितनी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इनका जो वर्क है वो कहीं ना कहीं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के अकॉर्डिंग कम हो जाता है। वर्क सबका बराबर है, चाहे वो माइक्रो मिनरल्स हो या माइक्रो मिनरल्स हो, नीड सबकी है। बस डिपेंड करता है कि किसी की नीड हमें ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए होती है और कुछ चीज़ों की नीड हमको कम क्वांटिटी में चाहिए होती है। अब सिंपल सी बात है, अगर हमारी बॉडी में हम लोग को कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड नहीं होगा तो हमारी बॉडी को कहीं से भी एनर्जी प्रोवाइड नहीं होगी। और अगर हम लार्ज जरूरत से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट लेते हैं और उसको हम लोग कहीं वेस्ट नहीं करेंगे, वर्कआउट नहीं करेंगे, तो वो हमारी बॉडी में फैट के रूप में कलेक्ट हो जाता है। तो इसलिए मैंने आपको बताया था अगर आपको अपनी बॉडी को फिट रखना है तो आप लोगों को तीनों चीज़ें करेक्ट प्रोपोर्शन में करनी पड़ेंगी, प्रॉपर वर्कआउट, प्रॉपर डाइट एंड प्रॉपर रेस्ट। अगर तीनों चीज़ों में बैलेंस नहीं होगा तो आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम अपनी बॉडी से परमानेंटली रहेगी। तो इसी तरह से अगर हम लोग माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में देखेंगे तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को हम लोग डिफाइन करते हैं विटामिंस में एंड मिनरल्स में। तो अगर हम लोग विटामिंस में जाएं तो विटामिंस हमारे टू टाइप से होते हैं, एक होते हैं फैट सॉल्यूबल और सेकंड होते हैं वाटर सॉल्यूबल। तो जो फैट सॉल्यूबल विटामिन होते हैं वो हमारे होते हैं कितने, 1, 2, 3, 4। ये फोर हमारे जो विटामिंस हैं वो फैट सॉल्यूबल होते हैं, ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। अगर आपको ये लर्न करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो अगर हम लोग इसको अपोजिट डायरेक्शन में पढ़ेंगे तो ये एक वर्ड बन जाता है, के ई डी ए, मीन्स कीड़ा। तो फैट सॉल्यूबल विटामिन कितने होते हैं, के ई डी ए, कीड़ा। इससे हम लोग को ये याद करने में हेल्पफुल रहेगा। आगे चल के मैं इसके केमिकल नेम भी बताऊंगा जो आपके एग्जाम में, एमसीक्यूज में और आपके कई डिस्क्रिप्शन लेवल के क्वेश्चन में हेल्पफुल होंगे। इसके बाद जो सेकंड है वाटर सॉल्यूबल विटामिन में, इसमें आपके दो विटामिन आते हैं, विटामिन बी एंड विटामिन सी। लेकिन आप लोग के सिलेबस में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पूरा एक दिया गया है जो कई बार आपके क्वेश्चंस के लिए, मतलब लॉन्ग क्वेश्चन के लिए हेल्पफुल होता है, जो आपके एग्जाम में कई बार मोस्टली 5 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है, या जो आपका एक सेकंड चैप्टर है स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन, इससे कई सारे आपके एमसीक्यूज बनते हैं जो एग्जाम में आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके चैप्टर, आपके क्लास 12th वालों के लिए, सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में आपको जो विटामिन देखने के मिलते हैं, विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 एंड B12 और H, और सबका कहीं ना कहीं अलग ना अलग इनका एक काम है, जिसको मैं आप लोग को केवल एक विटामिंस का, मिनरल्स का और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का पूरा एक चार्ट बनाऊंगा और उसको एक्सप्लेन करूंगा। अभी हम इसके केवल
नेम पढ़ेंगे और इनके केमिकल नेम पढ़ेंगे। अभी मैं केमिकल नेम इनके ज़रूर लिखूंगा और जिनको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। सेकंड जो मिनरल्स में आता है, और मिनरल्स भी हम लोग उनको टू टाइप में डिवाइड करते हैं, माइक्रो मिनरल्स और माइक्रो मिनरल्स। जो माइक्रो मिनरल्स होते हैं उनमें केवल इतना नीड होता है कि इनकी हमारी बॉडी को 5 ग्राम से ज़्यादा ज़रूरत होती है, और जो माइक्रो मिनरल्स होते हैं इनकी जो क्वांटिटी होती है हमारी बॉडी के लिए वो 5 ग्राम से कम होती है। इसीलिए मैंने इनको प्लस और माइनस से इंडिकेट किया है। तो माइक्रो मिनरल्स में जो चीज़ें होती हैं, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस एंड पोटेशियम एंड सोडियम, ये सारी चीज़ें हमारे माइक्रो मिनरल्स में आती हैं, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम एंड सोडियम। और जिनके कई सारे वर्क्स हैं जो हमारी बॉडी फंक्शनिंग में हेल्पफुल करते हैं, या हमारी बॉडी के जो वेरियस ऑर्गन्स हैं उनको फंक्शन करने में हेल्प करते हैं। जैसे कैल्शियम हमारा बोन्स एंड टीथ के लिए इंपॉर्टेंट है, आयरन है ट्रांसफ़र ऑफ ऑक्सीजन बिटवीन टिश्यूज, जो हमारी बॉडी के टिश्यूज हैं एक बहुत ही मिनिमम पॉइंट तक ऑक्सीजन पहुँचाता है, जहाँ से हमारी बॉडी के एवरी पार्ट को एनर्जी प्रोवाइड होती है। मैग्नीशियम हेल्दी बोन्स एंड इम्प्रूविंग फंक्शन, हेल्दी बोन्स इम्प्रूव करने में और उनके फंक्शन को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। फास्फोरस कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ बोन्स टिश्यूज, बोन्स के जो टिश्यूज होते हैं उनको स्ट्रॉन्ग करता है। पोटेशियम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेशियम मीन्स ये होता है कि हमारी बॉडी में सडनली एनर्जी प्रोवाइड करना, ठीक है ना, उसका काम करता है। एंड सोडियम मेंटेन पीएच वैल्यू, एल्काइल पीएच वैल्यू को हमारी मेंटेन करता है। एंड माइक्रो मिनरल्स आप लोग केवल नेम से ही लर्न करिएगा, ये कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, इनके नेम्स लिखने के लिए आ सकते हैं, या कैल्शियम आपसे पूछ सकता है माइक्रो मिनरल्स में आता है या माइक्रो मिनरल्स में आता है, या माइक्रो न्यूट्रंट्स में आता है या माइक्रो न्यूट्रंट्स में आता है, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो जो माइक्रो मिनरल्स हैं उनमें आपका पहला आ जाता है क्रोमियम। क्रोमियम में क्या दिया गया, फंक्शनिंग ऑफ स्केलेटल मसल्स, मीन्स आपके बोन्स के ऊपर जो मसल्स क्लियर होती है उनके फंक्शन में आपकी हेल्प करती है। कॉपर रेड ब्लड सेल एंड ब्लड प्लाज्मा के लिए ज़रूरी है। मैग्नीज फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड मसल्स, जो बोन्स का फॉर्मेशन होता है या ब्लड प्लाज्मा बोन्स बोन मैरो उसके लिए हेल्पफुल होता है। सेलेनियम इम्यून सिस्टम के लिए हमारे लिए हेल्पफुल है। सल्फर एंड जिंक, तो इस तरह से इसके 4th, 5th and 6th कंपोनेंट्स हैं या 6 टाइप्स हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर हम लोग नॉर्मल वे में लर्न करें, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मींस कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट एंड वाटर, और इसके बाद हमारे विटामिन्स आ जाते हैं। विटामिन्स में हमारा जो आता है विटामिन बी एंड सी, जो हमारा किस में आता है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में, और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में जो विटामिन बी और विटामिन सी है, और एक है फैट सॉल्यूबल एक है वाटर सॉल्यूबल। फैट सॉल्यूबल में हमारे कौन कौन से विटामिन आते हैं, विटामिन के ई डी ए कीड़ा, या अगर सीक्वेंस बाय याद करें तो ए डी ई के। और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को अगर हम लोग खोल दें तो विटामिन B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 एंड B12, ये सारे विटामिन्स आ जाते हैं। और विटामिन सी जो वाटर सॉल्यूबल ही है। कई बार ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि वाटर सॉल्यूबल विटामिन कौन से हैं, तो बी एंड सी हैं, और फैट सॉल्यूबल कितने हैं, 4 हैं, ए डी ई के। इसके बाद माइक्रो मिनरल्स एंड माइक्रो मिनरल्स जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, क्रोमियम, कॉपर, मैग्नीज, सेलेनियम, सल्फर, जिंक, ये सारे नाम आप लोगों ने केमिस्ट्री में भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़े होंगे या छोटे से पढ़ते आ रहे हैं। तो इसी के बाद मैं इस वीडियो में आपको नेक्स्ट जो है इनके केमिकल नेम अभी और बताऊंगा, जिसको आप लोग अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा और उनको आप लोग ज़रूर लर्न कर लीजिएगा। जैसे मैंने अभी आपको सबसे पहले बताया था, हमारे जो फैट सॉल्यूबल विटामिन हैं विटामिन ए, केमिकल नेम रेटिनॉल, विटामिन डी कैल्सिफेरॉल, विटामिन ई ट
टेकोफेरॉल एंड विटामिन के क्यूनॉन्स, ये हमारे फैट सॉल्युबल विटामिन हैं। और ये जो इनके हैं ये केमिकल नेम दिए गए हैं, विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन डी कैल्सिफेरॉल, विटामिन ई टोकोफेरॉल एंड विटामिन के क्यूनॉन्स। अब अगर हम लोग वाटर सॉल्युबल में आएंगे, यहाँ के बाद हम लोग देखेंगे वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। तो सबसे पहले इसमें हमारा आ जाता है B1, जिसमें B1 का केमिकल नेम है वन टू थ्री फोर थायमिन। B2 आपका है राइबोफ्लेविन। B3 है आपका, सॉरी, नियासिन। एंड B5 जो आपका है पेंटाथोनिक एसिड। B6 पायरिडॉक्सिन। B7 बायोटिन। B9 फॉलिक एसिड। एंड लास्ट वन इज B12। कोबेलोमाइन। तो ये आपके केमिकल नेम हैं जिनको आप लोग अच्छे से लर्न कर लिए। एक और आपका बचता है लास्ट में विटामिन सी, इसका नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। मींस फैट सॉल्युबल विटामिन ए डी ई के, इनका केमिकल नाम रेटिनॉल कैल्सिफेरॉल टेकोफेरॉल क्यूनॉन्स। अब अगर आपको इनको लर्न करने में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो सिंपल सी बात है, अगर हम लोग कोई भी विटामिन्स के केमिकल नेम जो हम लोग लर्न करने बैठते हैं या किसी भी टॉपिक का कोई भी चीज़ अगर हम लोग लर्न करते हैं तो उसके पहला नाम तो हम लोग को हमेशा याद रहता है। जैसे आप लोग जब भी याद करेंगे तो विटामिन ए का रेटिनॉल, यह आपको सिंपल सी बात है याद रहेगा। अब हम लोग देखते हैं सेकंड नेम विटामिन डी। अब इसका केमिकल नेम अगर आपको याद रखना है तो आपको पता है डी के पहले जस्ट आता है सी, और सी से इसका केमिकल नेम हो जाता है कैल्सिफेरॉल। तो ये भी आपको माइंड में याद आ जाएगा, एक दो बार आप लोग रिवाइज करेंगे। विटामिन ए का रेटिनॉल, डी के पहले आता है सी, सी से हो जाता है कैल्सिफेरॉल, और के से एक जो प्रोनाउंसिएशन है के, और सेम वैसा ही है के से क्यूनॉन्स, जो कहीं ना कहीं सिमिलर हैं, और ई, और सबसे लास्ट में एक याद रखिएगा, ठीक है ना, जिसका थोड़ा सा अजीब सा नाम है एक एलियन टाइप का, टेकोफेरॉल। ये तो इस तरह से आपको ये केमिकल नेम लर्न करने हैं। और इसके बाद अगर हम लोग वाटर सॉल्यूबल में आएंगे तो वाटर सॉल्यूबल में भी हम लोग कुछ नेम देख लेते हैं जो हम लोग को बहुत ही सिंपल वे में लर्न हो जाएंगे। जैसे मैंने बताया कि आप लोग जब भी कोई चीज़ याद करते हैं तो पहली तो आपको तुरंत याद हो जाती है, इसी तरह से B1 का केमिकल नेम है थायमिन, तो थायमिन तो आपको याद रहेगा। B2 राइबोफ्लेविन, जो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा नाम है राइबोफ्लेविन। और B3 B7 एंड B9 जितने भी ये ऑड नंबर हैं इनके नाम आप लोग देखेंगे तो पढ़ने में तो हो सकता है आपको थोड़े बड़े लगेंगे लेकिन लिखने में कहीं ना कहीं आपको एक जैसे दिखाई देंगे, नियासिन बायोटिन एंड फॉलिक। तो इनको आप लोग इस तरह से याद कर सकते हैं। B5 पेंटा मीन्स 5 पेंटाथोनिक एसिड। B6 पायरिडॉक्सिन, अगर हम लोग इसको हिंदी में लिखेंगे पायरिडॉक्सिन, तो कहीं ना कहीं इसमें भी 7 वर्ड ही हैं पायरिडॉक्सिन, तो आप लोग इससे याद रख सकते हैं B5 पेंटाथोनिक, पेंटाथोनिक मतलब 5 वर्ड से पेंटा मीन्स 5, और B6 पायरिडॉक्सिन 3 वर्ड्स इसमें, तो इसको आप लोग आराम से लर्न कर सकते हैं। और मैंने बताया B3 B7 एंड B9, 3 नियासिन, 7 बायोटिन, 9 फॉलिक। जब हम लोग इनको लिखते हैं तो कहीं ना कहीं छोटे नाम हम लोग को ये अलग ही दिखाई दे जाते हैं। और एक चीज़ मैं और आपको और बता दूँ, B9 जिसको हम लोग विटामिन एच के नाम से भी जानते हैं,
विटामिन एच एंड B9 सेम है। अगर आपको कहीं पर भी केमिकल नेम लिखने को आता है तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, विटामिन B9 या विटामिन एच दोनों ही वाटर सॉल्यूबल विटामिन है, फॉलिक एसिड। और लास्ट में B12 जो आपका एक नाम आ जाता है, ये भी कोई एलियन टाइप का नाम है, कोबेलोमाइन, जिसको आप लोग इस तरह से याद रखिएगा। तो अब नहीं लगता मुझे आपको इतनी प्रॉब्लम होगी, जैसे B5 का नाम हो गया पेंटाथोनिक, B6 पायरिडॉक्सिन 6 डिजिट, ये तो आपको याद रहेगा, B1 थायमिन।